किसान संगठन के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने प्रभावित फसलों के लिए राहत राशि की मांग जिला प्रशासन से की है। किसानों ने कलेक्टर को आवेदन देते हुए राहत राशि प्रदान जारी की मांग की है और किसानों का कहना है कि माने तो पिछले 2 माह से मौसम की प्रतिकूल परिस्थिति, असमय बारिश और आंधी तूफान और ओलावृष्टि के कारण फसल खराब हुई है। मौसम की मार से अब किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है। प्रगतिशील किसान संगठन की माने तो किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र में प्राकृतिक आपदा के कारण फसल क्षति के लिए राहत राशि प्रदान करने का प्रावधान है। सरकार के कानून नियम है, ओकर लिए हम सरकार अवगत कराए आए हैं और हमला भरपूर हमर जो नुकसानी है ओकर मुआवजा मिलना चाहिए और हर किसान ला क्षेत्र में बिल्कुल लाभ प्राप्त होना चाहिए, हर किसान के ला राहत मिलना चाहिए। तो हमने इस बार कलेक्टर साहब को निवेदन किया है कि जो सर्वे सूची बनाई जाएगी उसको फाइनल करने के बजाय ग्राम पंचायत में वो सूची लगाई जाए, गांव वाले उसको अवलोकन करें और जिस किसान को ऐसा लगे कि उसकी फसल खराब हुई है, सूची में नाम नहीं है, ऐसे किसानों को भी अपनी बात अपना दावा करने का अवसर मिलना चाहिए, उसको कलेक्टर साहब ने मान लिया है। सोसर में छिंदवाड़ा से नागपुर चलने वाली बस पर पथराव की घटना